फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ इब्राहिम शेख, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो अभी रिसेंटली क्वालिफाइड हो गए और थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है कि मैं प्रैक्टिस में जाऊँ या जॉब में जाऊँ। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि ऑन द डे ऑफ योर रिजल्ट, जिस दिन आप CA बने, यू आर द मोस्ट कन्फ्यूज पर्सन ऑन द प्लानेट। क्योंकि आप कन्फ्यूजन में रहते कि मैं प्रैक्टिस में जाऊँ या जॉब में जाऊँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि दोनों के अपने अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं। जॉब में जाऊंगा तो इमिजिएटली अच्छा पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, पैकेज स्टार्ट हो जाएगा, घर पे पैसा अच्छा आएगा। बट 2-4-5 साल 10 साल के बाद जॉब में कहीं पे लिमिटेशंस है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होगा, पैसा भी बहुत ज़्यादा होगा, बट लाइफ एंजॉय करने कहीं पे टाइम नहीं मिलेगा। बट मैं प्रैक्टिस में आ रहा हूँ तो प्रैक्टिस में जाने के बाद भी सेम होगा। इनिशियल डेज में फाइनेंशियल क्रंचेस होंगे, क्लाइंट मिलाओ, पैसा कमाओ, इसमें बहुत स्ट्रगल होगी, पर 8-10 साल बाद लाइफ सेटल होगी, तो मैं क्या करूँ? फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने तो अभी CA क्वालिफाई किया तो गुड, बट आप, मैं ये इन लोगों के लिए बताऊंगा कि जो अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट स्टिल, आप जो एरिया में प्रैक्टिस किए हो या फिर जहाँ पे अपने आर्टिकलशिप किए हो, दैट रियली मैटर्स इन योर प्रैक्टिस। मान के चलते कि अगर आप छोटे टाउन से हो और अगर आपने प्रैक्टिस सिटीज लाइक पूना, बॉम्बे, दिल्ली में किया होगा, तो वहाँ का प्रैक्टिस का स्टाइल और टाउन का प्रैक्टिस का स्टाइल चेंज रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट कुछ चीज़ें आपको ना स्टडी करके फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे कुछ जुगाड़ू एडजस्टमेंट्स रहते हैं जो टाउन के एरिया में रहते हैं, बट अगर आप मेट्रो सिटीज़ में देख रहे हो तो वहाँ पे क्लीन एंड क्लियर मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। मोस्ट ऑफ द केस में बोल रहा हूँ कि वहाँ पे भी होता है जुगाड़, आई एम नॉट सेइंग, बट ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सो इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू द प्रैक्टिस, आप सोचो कि आपका आर्टिकलशिप कहाँ पे हुआ है और आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करना है। और आई विल सजेस्ट टू गाइज, प्रैक्टिस में इनिशियल थोड़ा चैलेंज रहेगा, बट प्रैक्टिस के फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बट स्टिल, इफ यू कैन गो फॉर द जॉब, बट अगर आपको प्रैक्टिस में आना है और फाइनेंशियली भी आपका सेटल नहीं है घर पे, तो यू कैन डू वन थिंग, 2-3 साल तक के लिए आप जॉब कर दो, कुछ पैसा कमाओ, एक लेवल पे सेट हो जाओ, बट मेक श्योर कि आपको वो लाइफस्टाइल की आदत ना लगे। मान के चलो आपके घर पे हर महीना 1-1.5 लाख रुपए आ रहा है, तो आपको एक कंफर्ट जोन में जाते हो, आपको लाइफस्टाइल में रहने की आदत रह जाती है, कुछ ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड क्लॉथ्स और ब्रांडेड बहुत सारी चीज़ें पहनने की आपको एक आदत लग जाती है, और उन ब्रांडेड से नॉन ब्रांडेड में आने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। इसलिए मेक श्योर कि आपको वो पैसे की, वो इनकम की आदत ना लगे, वो लाइफस्टाइल की आदत ना लगे, क्योंकि आपको उसके बाद प्रैक्टिस में आना है। प्रैक्टिस में आने के बाद आप जो पैसा सेव करोगे 2-3 साल में, वही पैसे आपको प्रैक्टिस में 1-1.5 साल तक के लिए संभालेगा। और प्रैक्टिस में आने के बाद 1-1.5 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा है आपके प्रैक्टिस सेट करने में। इसको कैसे सेट करना है और आगे क्या करना है, ये मैं कुछ अलग वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट आज मुझे बस यही बात करनी थी, प्रैक्टिस वर्सेज जॉब। इफ़ यू वॉन्ट टू कम इन टू द प्रैक्टिस, गो फॉर जॉब फॉर सम टाइम एंड देन अगेन कम बैक टू द प्रैक्टिस, बट इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर द जॉब, गो बिंदास्त, फिर आप रिग्रेट ना करो लाइफ में कि यार प्रैक्टिस करता तो कुछ क्या होता। तो एक डिसीजन लो, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके यू कैन जंप इनटू द प्रैक्टिस और जॉब डिसीजन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।